दलितों पक्ष के वकील, उनका भी बयान सामने आया है और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी की को लेकर जो उनका स्वरूप तय करना ये सबसे इस वक्त अहम मुद्दा होगा। तो विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होने से पहले उनका ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का स्वरूप तय करना ये सबसे अहम मुद्दा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूजा स्थल कानून पर कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से गौर हो। बड़ी खबर आपको कहा सर्वे की सीडी और फोटोग्राफ कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष दायर करेगा आपत्ति, ये भी बात सामने आई है। क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और सुभाष नंदन चतुर्वेदी मौजूद हैं। विष्णु जैन जी, क्या पूरी कार्यवाही आज रहने वाली है, कितने बजे ये मामला जिला जज सुनेंगे और सबसे पहले कौन सी याचिका सुनी जाएगी? देखिए, 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो उनकी एप्लीकेशन है 7-11 की, उसको प्रायोरिटी पे सुना जाए। पर जब 7-11 मतलब मेंटेनेबिलिटी, उनका कहना यह है कि हमारा सूट आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है। तो जब पूजा स्थल अधिनियम की बात आती है और उनका ये आर्गुमेंट है कि पूजा स्थल अधिनियम से बाधित है, तो उस इश्यू को डिसाइड करने से पहले उस जगह का धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां शिवलिंग, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह, हिंदू कलाकृतियां और भारी मात्रा में हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस संपत्ति के धार्मिक स्वरूप को डिसाइड करने के लिए। सिर्फ आइसोलेशन में नहीं हो सकता है कि अगर आप कहें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है और केस इमीडिएटली डिसमिस हो जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से क्यों बाधित है? धार्मिक स्वरूप तय करना। धार्मिक स्वरूप क्या है? क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान माननीय न्यायालय ने भी यही कमेंट किया था कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, धार्मिक स्वरूप तय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब धार्मिक स्वरूप हमारा आर्गुमेंट यह है हिंदू मंदिर का है, इसलिए केस बाधित नहीं है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से और हम अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं और आज उनको अपने आर्गुमेंट स्टार्ट करने। तो विष्णु जैन जी, अगर सरल भाषा में जाने, मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है जिस पर सबसे पहले सुनवाई करने के लिए कहा गया था कि ये 91 के कानून का उल्लंघन है, आप लोगों का मुकदमा, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सबसे